अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ फिरना। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमत के साए में रखें, आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। सबसे पहले रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। देखें आसमान पर कितने गहरे बादल हैं और सुबह का टाइम है, कभी धूप आ जाती है और अब धूप है थोड़ी थोड़ी सी और बादल बहुत हैं। कल शाम को भी बहुत सारे बादल थे, अब मौसम चेंज हो रहा है और बादल भी आ रहे हैं। मेरी आईज़ ने, मैंने थोड़ा सा बाहर धूप में देखा तो आईज़ में पानी आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा अपने व्यूअर्स को दिखाऊं कि मौसम देखें कितना अच्छा हो रहा है और हवा भी ठंडी शाम को चलती है, बहुत मज़े की होती है हवा भी, और बादल देखें कितने अच्छे हैं। चलें जी नाश्ता बनाते हैं और नाश्ता दिखाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चलें जी नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में ऑमलेट बन रहा है, पहले मैं प्याज को अच्छे से भून लूंगी और यहाँ पे जी देखें इरना और अदीना ने सफाई कर ली है, उनकी जब छुट्टी होती है तो मैं इनसे सफाई करती हूँ। और ये देखें हमारा छोटा सा नन्ना मेहमान, ये भी उठ गया है और ये भी खाना शाना खा रहा है और ये बड़े लाड उठवा रहा है हमसे। गंदा सा बेबी है, ये गंदा सा बेबी है। चलिए जी अब इसको मैंने अच्छे से सफ़े कर लिया है प्याज को और उसमें मैंने हरा लहसुन जो होता है वो काट के डाल दिया है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते हम लोग, बस ये हरा लहसुन होता है अगर हो तो ये कटिंग करके, प्याज बचे ज़्यादा उसमें ना, धनिया या सब्ज़ मिर्च वो कहते हैं कि मुँह जलता है मिर्चों की वजह से तो फिर वो नहीं डालने देते, तो फिर मुझे सिंपल सा ही बनाना पड़ता है। और ये हरा लहसुन मैं ज़रूर काट के डाल लेती हूँ तो ये मुझे बहुत पसंद है। तो अब हम इसमें डालते हैं जी पाउडर मसाले। पाउडर मसाले में भी ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती, काली मिर्च, नमक, हल्दी और कुटी हुई मिर्च, बस इसको अच्छे से भून लेंगे डाल के और फिर हम इसमें अंडा डाल देंगे। फिर बनाते हैं जी हम पराठे और साथ में होगी चाय। चलें जी अंडा डाल देते हैं हम इसमें, ज़्यादा अंडा बच्चे पसंद नहीं करते तो फिर मैं एक ही अंडा डाल रही हूँ। तो रहमान के दादा अक्सर बोला करते थे इनकी दादी अम्मा को, वो अंडा पता नहीं उनको भी पसंद नहीं था ज़्यादा अंडा, तो वो करती हैं दीदी के दो अंडे डालती थी सिर्फ में तो फिर उनके दादा भी बोलते थे हाँ जी गंडे लग गई पान आज, तो हम लोग हंसते होते थे उनकी इस बात से। और मेरे घर में भी वैसे तो बच्चे अंडा खा लेते हैं, प्याज़ों में ज़रा कम खाते हैं तो वैसे भी मज़े का लगता है इस तरह। चलें जी ऑमलेट हो गया हमारा रेडी और अब हम बनाते हैं पराठे। पराठे के लिए तवा रखती है, ये जो मेरा डिब्बा यहाँ अक्सर आप लोग देखते हैं ये मेरे खुशके का आटा है, आटे वाला डिब्बा है और मैं जी इसमें खुशका रखा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए इस तरह आटा भी ज़ाया नहीं होता और ये भी स्टोर भी सही से रहता है इसी तरह ना, अच्छे से सम वो कहते हैं ना नीचे नहीं गिरता और ख़राब भी नहीं होता, ज़ाया भी नहीं होता। तो चले जी हम पराठा बनाते हैं। ये है जी डबल पराठा जो कि हम लोग बचपन में अपनी अम्मी से बनवा के खाते थे और अपनी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं अक्सर ही जब मैं ऐसे बनाती हूँ, बच्चों को बना के देती हूँ अपनी अम्मी के खाने तो मुझे खुद अपना बचपन याद आ जाता है।
अब हमारे बच्चे भी हमसे फरमाइशें करते हैं। ये पराठा, यहाँ पे इरना और रहमान नाश्ता स्टार्ट कर चुके हैं। अभी मैं और दीना रहते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं जल्दी जल्दी बना के। मैं बच्चों को जब नाश्ता बनाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जल्दी जल्दी गरम गरम पराठा लेते जाओ और नाश्ता करते जाओ। गरम गरम खाने का ही मज़ा है, फिर ऐसे साथ बैठेंगे तो ठंडे हो जाते हैं कुछ, इस वजह से फिर मैं मना करती हूँ कि जल्दी जल्दी साथ साथ खाते जाओ। और इधर मैं चाय रख रही हूँ। यहाँ पे दूध में मैंने डाल दी है सौंफ और पत्ती और फ्लेम ऑन कर दिया है। यहाँ पर चाय बन दिया और इधर पराठा बनता है। मैंने नाश्ता कर लिया और अब मैं पी रही हूँ चाय। मैं जा रही हूँ ऊपर क्योंकि रात को मैंने धोए थे कपड़े, जो कि मैंने कहा अच्छा से उतार लूँ। बेडशीट्स थी कुछ धोई, कुछ कपड़े धोए थे। कपड़े लेके नीचे आ रही हूँ, इनको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ और साथ में चाय पीते हैं, हम लोग इंजॉय करते हैं चाय। ये देखें जी कपड़े आ गए, अब इनको हम तय करते हैं, साथ में चाय पीती हूँ मैं। और इनको तय करने के बाद फिर अगला क्लिप कोई जो भी रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी। मैं बना रही हूँ चिकन शोरबा कढ़ाही, जिसमें मुझे लहसुन, सब्ज मिर्चें और चार मीडियम साइज़ के टमाटर और दो मीडियम साइज़ की बड़ी वाली, यानी मीडियम साइज़ भी नहीं, एक बड़ी और एक मीडियम साइज़ की प्याज, क्योंकि ये शोरबा कढ़ाई बनेंगी तो इसमें थोड़ा सा ये प्याज ज़्यादा होंगे और टमाटर भी ज़्यादा होंगे ताकि ग्रेवी अच्छी सी बने ना। और ये है जी एक किलो से थोड़ा सा ऊपर चिकन। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाने। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है और अब डालते हैं प्याज। प्याज डाल लिए हैं, इनको अब अच्छे से गोल्डन ब्राउन करते हैं इसको अच्छे से। लहसुन और सब्ज मिर्चों को हम लोग अच्छे से कूट लेते हैं, तो इसका पेस्ट बना लेते हैं वो डालने के लिए ना। यहाँ पे प्याज जो है ब्राउन हो रहे हैं और इधर मैंने लहसुन अच्छे से कूट लिया है और अब मैं अदरक डाल रही हूँ, इसको अच्छे से कूट लूँगी और सब्ज मिर्चें, ये तीनों एक साथ कूट के इसका पेस्ट बना के ये डालूँगी। चलें जी प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ये देखने पिंक पिंक कलर हो चुका है। अब इसमें डालते हैं हम टमाटर। इसको करते हैं मिक्स अच्छे से ताकि ये टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अब इसको अच्छे से भूनना है, टमाटर जो हैं वो अच्छे तरह गल जाएंगे, इनका पेस्ट बन जाएगा अच्छे से। तो फिर इसमें अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे। चलिए जी टमाटर और प्याज अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब हम डालते हैं अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट डालेंगे और अब इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर इसमें डालेंगे हम पाउडर मसाले, सारे जितने भी स्पाइसेस हैं हमारे वो डालेंगे। बस इसको अच्छे से भून लें। चलें जी ये अच्छी तरह से भून गया है, अब डालते हैं पाउडर मसाले। पाउडर मसाले यानी कि स्पाइसेस हैं काली मिर्च हाफ टी स्पून, चाट मसाला कुटी हुई मिर्च हाफ टी स्पून या हाफ टी स्पून ही है, हल्दी और नमक जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। और ये हैं जी स्पाइसेस जो मैं डाल रही हूँ। ये है जी चिकन शोरबा कढ़ाई, अब इसको अच्छे से भूनना है, सारा काम ही इस मसाले का है, इसको अच्छे से भूनना है। इसको 5 मिनट तक अच्छे से भून के और हल्का से इसमें पानी डालेंगे, फिर इसको 5 मिनट तक भूनेंगे, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ फिर इसमें क्या डालते हैं। 5 मिनट के भूनने के बाद हम लोग इसमें पानी डाल देंगे। चलें जी
सॉरी कॉल आ गई थी बीच में मेरी सिस्टर की, तो चले अब ये मैंने पानी डाल के अच्छे से इसको भून लिया है, इसको पानी डाला था थोड़ा सा, तो अब ये इसको भून लिया है अच्छे से, 5 मिनट अच्छे से भून लिया इसको हम लोगों ने। अब हम इसमें डालते हैं चिकन। चलिए जी अब हम डालते हैं इसमें चिकन। चिकन डाल के इसको हम अच्छे से भूनते हैं। अब चिकन को हमने तकरीबन 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है ताकि ये जो कच्चा है ना ये बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो जाए, इसमें भून जाए, और फिर उसके बाद हम इसमें और क्या डालते हैं वो आगे दिखाऊंगी आपको। देखिए चलें जी, ये देखिए चिकन जो है अच्छे से भून गया है और मसाला भी एक जान हो गया है इसका, बिल्कुल वो भी मेल्ट हो गया, हर चीज़ मेल्ट हो चुकी है इसमें। और अब हम इसमें डालते हैं पानी। पानी डाल के इसको 15-20 मिनट के लिए हम लोग हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। ये देखें हमने पानी डाल दिया है, अब ये 15-20 मिनट के लिए ये पकेगा, अच्छे से पकेगा, और उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। थोड़ी सी ग्रेवी थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको उतारेंगे और इसमें धनिया डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, और जी मज़े के साथ चपातियाँ बनाएंगे और खाएंगे। आप लोग भी आएँ, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। ये थी जी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है लाइफ ऑफ इरना के नाम पे, प्लीज़ वहाँ पे भी जाएँ, फॉलो करें। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हम ये खाना खाते रहेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है अब ये पक जाएगा, तकरीबन 20 मिनट तक हम इसे रखेंगे, शोरबा बनेगा अच्छे से, और इसमें धनिया और गरम मसाला डालेंगे और ये डन है, और हम फिर चपातियाँ बनाएंगे और खाएंगे, इंजॉय करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़।